हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में, जिसमें थर्सडे को अपर सर्किट देखने को मिला और इसमें जो तेज़ी आ रही है उसका कारण यह है कि एक फेमस ब्रोकिंग हाउस ने इसमें बाय कॉल दिया है और टारगेट दिए हैं। आइए जानते हैं क्या रेट दिए हैं और क्या कौन सा है ब्रोकिंग फॉर्म। सुजलॉन ने थर्सडे को 40 रुपीज़ 40 पैसे का में क्लोजिंग दिया अपर सर्किट में, जबकि 52 दिखाया था 51 रुपीज़। फ्रेंड्स, सुजलॉन में आनंद राठी, ये जो कंपनी है आनंद राठी ब्रोकिंग, उन्होंने बाय कॉल दिया है और टारगेट रिकमेंड किए हैं 49 रुपीज़ का। उन्होंने कहा है कि इसका जो टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में 49 रुपीज़ का रहेगा। उसमें उन्होंने उसके कारण बताए हैं कि कंपनी के पास 32% का मार्केट शेयर है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, तो आने वाले क्वार्टर शानदार आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, तो आने वाले क्वार्टर्स में जो इंटरेस्ट का जो लॉस होता था वो होने वाला नहीं है, ब्याज का जो खर्चा पड़ता था कंपनी पे वो पड़ने वाला नहीं है, और गवर्नमेंट इस सेक्टर पे काफ़ी पैसा खर्च कर रही है, काफ़ी इंसेंटिव दे रही है और काफ़ी प्रमोट कर रही है, तो वो हिसाब से भी विंड पावर एनर्जी के सेक्टर में आने वाले दिनों में डिमांड रहने वाली है। ये सब कारणों से आनंद राठी को लगता है कि 49 रुपीज़ का टारगेट आने वाले दिनों में सुजलॉन का शेयर दिखा सकता है, तो इसीलिए शेयर में तेज़ी बनी हुई है। हालांकि देखिए, जो टारगेट दिए जाते हैं वो हो सकता है 8-10 दिन में भी टारगेट पूरे हो सकता है 1-2 महीने में भी पूरे हो, बट अभी करंट रेट से अगर देखा जाए तो अभी भी करीब 20-25% का अपसाइड ये टारगेट के हिसाब से दिखता है, तो 2-2.5 महीने में भी कंप्लीट हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट शानदार आए क्वार्टर थ्री के रिजल्ट से, तो शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्वार्टर थ्री में आपको याद होगा सुजलॉन का जो प्रॉफिट था 203 करोड़ का था, 203 करोड़ का था, तो इससे जो प्रॉफिट है अगर अच्छे आए तो शेयर में अच्छी तेज़ी बन सकती है। और सुजलॉन में FII का होल्डिंग भी 18% है और DII का होल्डिंग 6% है, और FII ने भी अपना होल्डिंग बढ़ाया हुआ है, तो ये सब हिसाब से वो डेट इक्विटी रेशो अभी सिर्फ 0.04% रह चुका है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, तो ये सभी बातें पॉजिटिव है। हालांकि मार्केट पे भी डिपेंड करता है, बट हो सकता है कि जो आनंद राठी ने काफ़ी स्टडी के बाद ये टारगेट दिए होंगे, तो आने वाले कुछ दिनों में या 1-2 महीने में ये टारगेट हमें अचीव होने को देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।